उमरिया भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है। इसकी स्थापना 1998 में होती है, जो कि शहडोल से अलग करके बनाया जाता है। उमरिया जिला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ किले के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में सर्वाधिक लाख उत्पादन होता है। इसके साथ ही बांधवगढ़ दुर्ग बांधव नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसके दरवाजे को कर्ण द्वार कहा जाता है, जिसमें चमत्कारी योगी की समाधि और क्षीर सागर है, जिससे निकलने वाली छोटी नदी नदर चरण गंगा है। इसके साथ ही उमरिया में लोदी राजपूतों द्वारा बनवाया गया लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि बांधवगढ़ किले को टीपू सुल्तान भी नहीं जीत पाया। इसके अलावा उमरिया जिले में साल वन के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। गठन 2 सितंबर 1998, तहसील बांधवगढ़, मानपुर, पाली, बिलासपुर, नरोजाबाद, चंदिया और करकेली हैं। उमरिया जिले के साथ सीमा की बात की जाए तो सतना, शहडोल, डिंडोरी, कटनी और अनूपपुर शामिल हैं। 2011 के हिसाब से कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 6,44,758 है, और वहीं 2011 के हिसाब से साक्षरता की भी बात की जाए तो 65.90% है। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल एवं मंदिरों के बारे में। बांधवगढ़ किला। विंध्याचल में बने इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। रीमा की राजधानी बनने से पहले बघेलखंड शासन यहीं से होता था। वर्ष 1597 में मुगल शासक अकबर ने अपने एक सरदार पलदास को बड़ी सेना के साथ इस किले पर कब्जा करने के लिए भेजा। 8 महीने व 5 दिन की घेराबंदी के उपरांत इसे जीता जा सका था। इसके साथ ही लगभग 2000 साल पुराना बांधवगढ़ किला का निर्माण रीमा रियासत के राजा व्याघदेव द्वारा कराया गया था। इसके साथ ही उल्लेख नारद पंच और शिव पुराण में भी ये वर्णित है। कहा जाता है कि 2662 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित इस प्राकृतिक किले को भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अपने भ्राता लक्ष्मण को भेंट में दिया था। इसके अलावा दूसरे पर्यटक स्थल की बात की जाए तो यहाँ जहिला यानी कि जोहिला नदी की मुख्य सहायक नदी है। इसके साथ ही ये कोयला क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है और यहीं पर चमड़े बनाने का कारखाना भी चलता है। प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने उमरिया जिले के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि अगर आपको भी आपके प्रदेश या डिस्ट्रिक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।